हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स क्रिकेट में। मैं आपको क्रिकेट से रिलेटेड बड़ी खबरें आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अगर आपने अचानक फ्राइब नहीं किया, अचानक फ्राइब से बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको शुरू मिल सके। पहली बड़ी खबर का रुख करें, यह बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही कि वानखेड़े स्टेडियम में जो ग्राउंड में टेस्ट पॉजिटिव पाए गए थे और उन सभी लोगों का फिर से टेस्ट किया गया और वो सभी जितने भी लोग थे वो टेस्ट नेगेटिव पाए गए। सो की बड़ी खबर निकल के आ रही, एक बड़ी और बहुत ही बेहतरीन खबर निकल के आ रही कि वहाँ के ग्राउंड में टेस्ट नेगेटिव पाए गए की बड़ी खबर निकल के आ रही है। और दूसरी बड़ी खबर का रुख करें, खबर निकल के आ रही है कि पोंटिंग के हवाले से की बड़ी खबर। दिल्ली कैपिटल के हेड कोच रिकी पोंटिंग के मुताबिक पृथ्वी शाह आने वाले वक्त में सुपरस्टार होंगे। उनके मुताबिक ये बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी है और ये बहुत ही खतरनाक और आने वाले वक्त में सभी लोग इसको देखेंगे कि ये कितना ज़बरदस्त टैलेंटेड खिलाड़ी। उनके मुताबिक ये अभी तक इस बैट्समैन की अभी शुरुआत है और अभी वो उनके अभी तक जितने भी वो मैचेस खेल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लेते हैं। अगर वो प्रेशर के विदाउट प्रेशर अगर खेलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेलेगा। उनके मुताबिक ये बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंटेड खिलाड़ी है और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा आने वाले वक्त में जिस टीम के साथ भी खेलेगा वो बहुत ही ज़्यादा उस टीम को फ़ायदा देंगे। कहना है रिकी पोंटिंग का। और तीसरी बड़ी खबर करो करें, खबर निकल के आ रही बाबर आजम के हवाले से की बड़ी खबर। बाबर आजम के मुताबिक जब फ़खर जमान 193 पर खेल रहे थे उनके मुताबिक वो सभी खिलाड़ी जितने भी टीम के खिलाड़ी थे सभी दुआ उनके लिए कर रहे थे कि उसका जो दोहरा शतक है वो पूरा हो जाए। बाबर आजम के मुताबिक जितने भी खिलाड़ी वहाँ पर थे वो सभी दुआ कर रहे थे और बहुत ही सब कुछ खिलाड़ी अपने अपने तरीके से दुआ करते थे और ये कहते थे कि वो ये दोहरा शतक ज़रूर मारे। लेकिन फिर किस्मत की वजह से उन्होंने अपना दोहरा शतक पूरा नहीं किया। ये कहना है बाबर आजम का। उनके मुताबिक आने वाले वक्त में ये बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज होगा फ़खर जमान, जो पाकिस्तान को एक नया ज़बरदस्त बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन मिला और ये बहुत ही ज़बरदस्त बैट्समैन है और ये आने वाले वक्त में ये दोहरा शतक ज़रूर मारेगा। ये कहना है।